देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, मैं हूं प्रकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। हम बैठे हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश सिंह जी के साथ में महाराष्ट्र की राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए। दिनेश सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज फर्स्ट नेटवर्क। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि जो आज महाराष्ट्र में घटा है, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी का यहाँ पर सफाया होने जा रहा है? कांग्रेस पार्टी अब विधायकों की वैकेंसी निकालेगी महाराष्ट्र में कि विधायकों की जरूरत है? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद जी, मिश्रा जी। कांग्रेसों की विधायकी की वैकेंसी नहीं, हमारे पास कार्यकर्ता भरपूर है। वैकेंसी खाली है मोदी जी के पास, क्योंकि उनके विधायक जीत के नहीं आएंगे। उनकी सोच है कि मैं खरीद के ले लूँ। कितना खरीद सकते खरीद ले, और 2024 में खरीदे हुए विधायक टिक नहीं पाएंगे, मेरा इतना ही कहना है। दिनेश सिंह जी, आपका ये इशारा है कि जितने विधायक सरकार में जा रहे हैं सबके सब बिक के जा रहे हैं, इतना मोदी सरकार ने सबको खरीदा हुआ है। सारे के सारे जो मंत्री बने हैं, सारे के सारे जो विधायक सरकार में शामिल है, सारे के सारे लोगों के ऊपर आप आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सबके सब बिके हुए हैं। उसका उदाहरण देख लीजिए, प्रताप सरनाई के ऊपर ईडी का शिकंजा था, वो बीजेपी में चले गए। नारायण राणे के ऊपर था, वो बीजेपी में चले गए। कृपा शंकर के ऊपर था, वो बीजेपी में चले गए। अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या लोगे? सिंचल घोटाला अजीत पवार के ऊपर था, वो बीजेपी में जाने से पहली बार जब गए 24 घंटे के लिए, तो किस दूर आज ईडी का प्रॉब्लम चालू है। तो कौन ऐसा नेता के ऊपर जो बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया, और उनके पास जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो कहने का अर्थ यही है कि दाल में काला तो है। सिंह साहब, ये बताइए कि मान लीजिए ईडी और सीबीआई में इतनी ताकत है कि नेताओं को अगर वो कर सके, तो आज कुछ ऐसा हो लगता है कि आने वाले समय में कुछ नेताओं को छोड़कर के कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं बचेगा? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के कई केस बीजेपी ने लगाए, विशेषता करके प्रधानमंत्री मोदी ने। जैसे रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जमीन घोटाला लगाया था, हरियाणा सरकार ने एक क्लीन चीट दे दी, आज बीजेपी की सरकार है। नेशनल हेराल्ड में लगाया, उसकी परिस्थिति आज क्या है? राहुल गांधी से 53 घंटा, सोनिया गांधी से 54 घंटा पूछताछ हुआ, क्या है? ठीक है, लोग बोलते बेल पे है, लेकिन आज तक केस सिद्ध नहीं कर पाए। कन्हैया कुमार के ऊपर राजद्रोह का केस लगाया गया, अभी तक FIR दाखिल नहीं कर पाए। कमलनाथ के ऊपर लगाया गया, कुछ नहीं कर पाए। दिग्विजय के ऊपर लगाया, कुछ नहीं कर पाए। कान्हा मुर्जी साउथ इंडियन, कुछ नहीं कर पाए। बोपर सुपौला लगाए, कुछ नहीं कर पाए। तो जो कांग्रेस के ऊपर बड़े बड़े घोटाले लगाए गए थे उसको सिद्ध नहीं कर पाए, और जो वाकई घोटालेबाज थे, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो या कहीं रहे हो, वो डर के मारे बीजेपी का दामन थामे। नहीं, आपकी बात को अगर मैं मान भी लेता हूँ कि ईडी और सीबीआई का ये इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन नेताओं में इतना भय। अब आप महाराष्ट्र की स्थिति पर आइए कि महाराष्ट्र में न तो कांग्रेस के पास, अभी भी प्राप्त सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कांग्रेस के कई विधायक जो है और पूर्व मंत्री अभी एकदम तैयार बैठे हैं कि कब वो पाला बदल दे। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की क्या स्थिति, ये जो दयनीय स्थिति है इससे भी बदतर होने वाली है? पहली बात, मिश्रा जी, आपको कहाँ से सूचना मिली है उसके बारे में आपको कमेंट नहीं करूँगा। अभी तक तो कांग्रेस का कोई विधायक टूट के नहीं गया जी। कल क्या होगा वो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि कांग्रेस का कोई विधायक जा नहीं रहा है, और शिवसेना उद्धव गुट जो है वो पब्लिक प्रशासन में काम कर रही है। नेता टूट के जाने से पार्टी नहीं टूटती है। आज भविष्य में उद्धव सेना कांग्रेस एकजुट है, एनसीपी का आज एक धड़ा टूट गया है, एक धड़ा अभी भी हमारे साथ है। पब्लिक प्रशासन में आज भी महाराष्ट्र सरकार का सर्वे जो है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के। आज पब्लिक में प्रशासन ये गया है कि काली जोड़ तोड़ के राजनीति करती है, यही नहीं पूरे देश में गया है। एमपी में क्या हुआ? सरकार गिरा दी गई, बनी हुई चुनी हुई सरकार गिरा दी गई। आज उसका नतीजा है कि एमपी में इनके पांव नहीं जम रहे हैं। सिंधिया समर्थक छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, हिंदू सेना श्रीराम सेना वगैरह सब छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। तो जो हिंदुत्व का इन्होंने कार्ड खेला था, आज उन्हीं को उनको उल्टा पड़ रहा है।
करके मुस्लिम मुस्लिम माला बीजेपी जम रही है। कल तक कांग्रेस को मुस्लिम की पार्टी कहती थी, आज मोदी खुद मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि देश में सर्वधर्म सर्वभाव का एक ताला मारा जो बुना है उसको तोड़ के राजनीति नहीं चल सकती। कुछ दिन झूठा बोल करके पब्लिक को गुमराह किया जाता है। आज हिंदू मुस्लिम का समस्या नहीं है, आज समस्या रोजी रोटी का है। 1200 रुपया सिलेंडर का है, 110 रुपया पेट्रोल का है, 100 रुपया का वो है। जितने विधायक जा रहे हैं ये सब मुद्दों पे वो समझ नहीं रहे, वो कम जानकार हैं। जो विधायक जा रहे हैं उनको पब्लिक से नहीं पड़ी है, मतलब 100 रुपया टमाटर से नहीं चुने गए नहीं है। 100 रुपया टमाटर जनता ने ही चुना है, वो 100 रुपया टमाटर 150 रुपया मिर्ची के भाव पे नहीं है। उनको भी तो मैदान में जाना है, एक भी नहीं जीतेंगे वो, उनको भी मैदान में जाना है, एक भी नहीं जीतेंगे। अपने कुकर्मों का फल छिपाने के लिए जा रहे हैं। चलिए, ये बात थी दिनेश सिंह जी से, जो कि दिनेश सिंह जी कह रहे हैं कि जितने भी विधायक आज शिंदे गुट में सरकार के साथ में शामिल हुए हैं कोई भी जीतने वाला नहीं है। खैर, ये तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, तो ये भविष्य के ऊपर छोड़ दिया जाए कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता किसको चुन करके भेजेगी विधानसभा में। और इसकी एक बहुत बड़ी जो परीक्षा होगी वो बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन जी, बीएमसी चुनाव नहीं होगा। इनका ये कहना है कि बीएमसी चुनाव विधानसभा लोकसभा के बाद होगा। आपका कहना है कि यहाँ पर सीधे फाइनल होगा, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद में बीएमसी का चुनाव होगा। कैमरा पर्सन रामकृष्ण मिश्रा के साथ मैं ओम प्रकाश मिश्रा, न्यूज़ फर्स्ट मुंबई।